सरकार कर रही गरीबों के हित की बात, ब्लॉक प्रमुख राम आशीष राय। 2024 तक सभी को पक्का मकान देने का सपना होगा साकार, राजेश त्रिपाठी। लाभार्थियों में आवास की चाबी वितरण। खबर बड़हलगंज से सामने आ रही है। दिनांक 15 नवंबर दिन मंगलवार, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभिन्न चौकों पर गरीब असहाय परिवारों को सरकार द्वारा पक्का मकान देने की योजना के तहत आवास की प्रतीकात्मक चाबी एवं अनुदान प्रथम अनुदान राशि देने की योजना चलाई गई। इस योजना के तहत बड़हलगंज ब्लॉक में भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी एवं विशेष अतिथि ब्लॉक प्रमुख राम आशीष राय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री के उद्बोधन को सुना तथा विभिन्न गाँव से आए लाभार्थियों में चाबी तथा प्रथम धनराशि का स्वीकृत पत्र वितरण किया। सभा को संबोधित करते हुए वीडियो बड़हलगंज ने बताया कि 5 लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के, 5 लाभार्थी मुख्यमंत्री आवास योजना के रहे, जिन्हें गृह प्रवेश के लिए प्रतीकात्मक चाबी तथा 52 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम धनराशि का स्वीकृत पत्र दिया गया। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास की चाबी मिली है और जिन लोगों को मुख्यमंत्री आवास की चाबी मिली है उनको बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको घर बनाकर दिया है, घर के लिए धन दिया, आपने घर बनाया, सिर पर आपकी छत आ गई। घर का अहमियत क्या होती है, जिनके पास घर नहीं है जरा उनसे पूछा जाए, या जिनका घर बार बार कट जाता रहा है, बाढ़ मुक्त बाढ़ इलाके से आते हैं अधिकांश लोग, पूरब के लोग। मैं स्वयं बाबा से लेके मेरे तक 7 बार हमारा घर बन चुका है, बार बार कटता है, बार बार बनता है। और एक बार घर किसी का बन गया, बाढ़ में कट गया, एक घर बनाने में और एक बेटी की शादी करने में कितने पसीने आते हैं, कितना जुगाड़ लगाना पड़ता है एक गरीब को, ये सबको पता है। अभी वीडियो साहब कह रहे थे कि साहब बहुत नियम कानून है और ये चीजें होंगी तो आवास नहीं मिलेगा, ये चीजें होंगी तो आवास नहीं मिलेगा। ये जो गरीब है इन्हीं नियमों में तो पिस करके अब तक बेघर बना रहा है, यही नियम कानून तो उसे मकान जाल में फंसाता रहा है। और फिर बीच में एक मीडिएटर आता है बीडीओ साहब और कहता है कि मैं जुगाड़ लगा दूंगा, आपको घर दे दूंगा, तो उसको घर मिल जाता है जुगाड़ लगाने पर। यही नियम कानून तो फिर दलालों को पैदा करता है और दलाल कहता है कि मैं पैसा खर्च करूं 10-20 हजार रुपए तुमको आवास दिला दूंगा, यही रोकना है। मैं तो शमशान का आदमी हूं वीडियो साहब, मैं तो चिता को अक्सर जब जलते हुए देखता हूं। मैंने किसी भी बाप को जिसके घर में 4-4, 5-5 सफारी और फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो है, मैंने पतियों को भी देखा है, किसी बेटे को अपने बाप को सफारी में आग लगाते देखा नहीं। मानक रुपया बहुत जरूरी है जीवन के लिए, मगर किसी की आग लेकर के रुपया कमाना, निश्चित रूप से रुपया फलता नहीं है ऐसा।